हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला का पार्ट टू। पार्ट टू में हम ऐसे ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपको एग्जाम में फेस करने को मिल जाते हैं, या वो एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, या रेलवे हो, ठीक है, या बैंकिंग हो। क्योंकि देखिए, बैंकिंग में भी रीजनिंग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, और खास करके रेलवे में, क्योंकि और एसएससी में भी पूछा जाता है। तो रेलवे में, रेलवे को ग्रुप डी का जो है उसके थॉट को देखते हुए ये मतलब अंग्रेजी वर्णमाला शुरू किए हैं, क्योंकि इसमें टोटल कंप्लीट मतलब जितना भी क्वेश्चन आ रहा है उसी टाइप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आज। जैसे कि पहले क्लास में हम बता चुके हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में शुरुआत में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं लेफ्ट साइड वर्ड के बारे में। तो जैसा कि आपको आप मतलब वर्ड टोटल याद कर लिए होइएगा, 1 से 26 तक और ए से जेड तक टोटल वर्ड याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो याद नहीं हो पाएगा तो अंग्रेजी वर्णमाला में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। और अपोजिट वाला जो है वो भी याद कर लीजिएगा। ये चीज हम आसान था इसलिए हम नहीं लिखवाए हैं, क्योंकि आप नॉर्मली 1 से लेकर 26 तक 1-2 करके आप खुद से याद कर सकते हैं, और आधा करके भी याद कर सकते हैं, अपोजिट करके भी याद कर सकते हैं। तो आज हम जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो चैप्टर बचा हुआ था आज टोटल कवर करने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। तो चलिए अब बात करते हैं, एक अंग्रेजी वर्णमाला में आता है अक्षर युग्म, ठीक है। अक्षर युग्म एक पूछा जाता है, जैसे कि हम 3 क्वेश्चन लिख लिए, 3 एग्जाम्पल आज इसमें बताने वाले हैं। तो अक्षर युग्म का मतलब होता है, युग मतलब आसान भाषा में समझिए जोड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी लेटर का जोड़ा, जोड़ा का मतलब क्या होता है कि दो, जैसे कि ए और बी, ये क्या है, जोड़ा लेटर है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसे अक्षर युग्म को पहचानना है, या खोजना है, या निकालना है, या कितने ऐसे अक्षर युग्म इसमें बन रहे हैं जो जिसमें दो अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं उतने यहां हो। जैसे जैसे मैं आप थोड़ा सा समझिए, जैसे दे देगा कि मैंगो, MANGO, ठीक है। ऐसे एग्जांपल तो यहां पे हम 3 लिख चुके हैं, ये छोड़िए। जैसे कि अगर दे देगा F और G, तो ध्यान दीजिए ये एफ के बाद जी आता है, ठीक है, एफ के बाद जी आता है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में हम चेक करेंगे कि ABCDEFG, देखिए F के बाद G यहां भी आ रहा है, तो ये एक युग्म हो गया, मतलब ये एक जोड़ा हो गया, ठीक है। उसी तरह से M और P लिखेंगे, ठीक है, M और P लिखेंगे, लेकिन क्या होता है कि M और P ऐसा दो वर्ड होना चाहिए जिसके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के जितने शब्द होते हैं उतना। तो देखिए M और P के बीच में कितना होता है, M के बाद N होता है, उसके बाद O होता है, फिर P होता है, मतलब दो अक्षर इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो इसमें दो अक्षर ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर दो अक्षर नहीं है, तो ये हमारा अक्षर युग्म नहीं है। समझ में आया, मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो अक्षर युग्म ऐसे युग्म चुनना है, यानी जो अंग, जैसे कि एक और एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं, इसमें अगर एक दे देगा M और N, तो M और N क्या है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला बात करेंगे MNO, यानी MN साथ में है, अंग्रेजी वर्णमाला में चलेंगे तो यहां भी MN साथ है, तो ये हमारा अक्षर युग्म हो गया। लेकिन यही होता अगर MO दे देता, तो MO यहां पर क्या है, MO साथ है, नहीं ना है, तो ये हमारा अक्षर युग्म नहीं होगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम पहला एग्जाम्पल को बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल याद रखेंगे, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम दोनों साइड से बनाते हैं, पहले क्या कह रहा है, AERO BICS, ये हमारा वर्ड है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इधर से भी चलेंगे एक बार, और एक बार रिटर्न में भी लेते हैं, जैसे कि दोनों साइड से गिनती करते हैं, अक्षर युग्म जो निकालते हैं दोनों साइड से निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे, इधर से चलते हैं पहले, ठीक है, पहले लेफ्ट साइड से चलते हैं। तो ए के बाद क्या होता है, बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, के बाद F G H, यानी ए से कोई भी जोड़ा नहीं मिला। जब ए से नहीं मिलेगा फिर अगला लेटर से चेक करेंगे, जब उससे भी नहीं लगा फिर अगला लेटर से चेक करेंगे, इस तरह से चेक करते जाएंगे। जैसे अब ए से नहीं मिला तो इसको काट दिए, अब ई से चलेंगे, E F G H I, देखिए E F G H I, E और I में
कितना वर्ड होता है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बात करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ध्यान दीजिए ई और आई के बीच में कितना वर्ड है, एक दो तीन, और यहां भी देखिए ई और आई के बीच में एक दो तीन, तो ये क्या है हमारा, एक जोड़ा मिल गया। तो एक जोड़ा को हम ऐसे लिख दिए कि ये हमारा एक जोड़ा हो गया। ठीक है, अब आगे और चलेंगे। ठीक है, अब क्या बात करेंगे, अब तो यहां से कंप्लीट हो गया, फिर आर से लेंगे, तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं हुआ, अब ओ से, ओ पी क्यू आर एस, देखिए ओ पी क्यू आर एस, यानी ओ पी क्यू आर एस, ओ और एस के बीच में तीन वर्ड होता है, ओ 15 होता है, एस 18 होता है, मतलब इसके बीच में तीन वर्ड होते, तीन वर्ड यहां पर है। अब बी से बात करेंगे, बी सी डी ई आई जे सी, मतलब इधर से क्या हुआ, जब हम लेफ्ट साइड से चलते हैं तो हमारा दो दो को जोड़ा बनता है, कौन कौन, ई आई और दूसरा ओ और एस। अब हम राइट साइड से भी देखेंगे, राइट साइड से भी चेक करके देखेंगे कि क्या होता है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला, मतलब ये हमारा गलत हो गया, सी डी ई एफ जी एच आई नहीं है, ये भी खत्म, आई जे के एल एम एन ये भी खत्म, बी सी डी ई, अब देखिए क्या है, बी सी डी ई, बी और ई के बीच में भी दो वर्ड होता है, बी और ई के बीच में दो वर्ड होता है, और यहां भी देखिए बी और ई के बीच में दो वर्ड है, तो ये हमारा एक जोड़ा हो जाएगा। अब बात करेंगे ओ पी क्यू आर, नहीं आर इस अब नहीं होगा, मतलब तीसरा लेटर क्या हो जाएगा, बी और ई ये जोड़ा हो जाएगा, मतलब ये हमारा तीनों जोड़ा हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अक्षर युग्म में ज्ञात करते हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला के तहत लेफ्ट साइड से भी चलते हैं और फिर एक सवार राइट साइड से भी चलते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आज हम तीन क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन इसमें से बहुत आसान है, एग्जाम्पल के तौर पर सी ओ एन एफ यू एस ई डी, अब फिर दोनों तरफ से बात करेंगे, सी डी ई एफ, देखिए सी और एफ हो गया, जी एच आई जे नहीं है, अब ओ से चलेंगे, ओ पी क्यू आर एस, ओ और एस आ गया, ओ पी क्यू आर एस टी यू, चलिए एन से, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं है, यू वी डब्ल्यू नहीं है, ई एफ नहीं है, मतलब इधर से क्या बना, सी और एन और ओ और एस। अब राइट साइड चलेंगे तो डी ई, एक ग्रुप यहीं पर आ बन गया, तो डी ई एफ जी, डी ई एफ जी एच आई जे के, ध्यान दीजिएगा अगर हमको तुरंत मिल गया उसके बाद इसको छोड़ नहीं देना है, फिर आगे चेक करेंगे कि और बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो एक ग्रुप ये बन गया ई और डी, अब आगे और चेक करते हैं, ई एस एस टी यू बी डब्ल्यू नहीं है, यू बी नहीं है, एफ जी एच आई एन ओ नहीं है, यानी ये हमारा इसमें भी तीन वो बनेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा तीन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे तीन नंबर क्वेश्चन की, तो इस तरह से आप सारा क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, हर एक बुक में हर एक चैप्टर में एक टॉपिक दिया गया है अक्षर युग, मतलब जोड़ा को पहचानना है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तीसरा देख लेते हैं, बी आई वी ई आर एस आई ओ एन डायवर्जन, अब इसमें क्या करेंगे, चलते हैं डी ई एफ जी, डी ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं मिला, इस खत्म, आई जे के एल एम एन ओ यानी आई ओ मिल गया, बी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए भी नहीं है, ई एफ जी एच आई जे नहीं है, आर एस एक ग्रुप बन रहा है, आर और एस, टी यू भी नहीं, एस आई जे के ओ भी नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यानी इधर से क्या ग्रुप बना, आई ओ उसके बाद आर और एस। अब राइट साइड से देखते हैं, एन ओ एक ग्रुप हो गया, पी एन ओ पी क्यू आर, देखिए एक एन ओ बना फिर एक एन और आर बन गया। ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, यानी क्या बना, एक एन ओ तो बन गया, एक एन आर भी बन गया। ठीक है, अब बात करेंगे आई जे के एल एम एन ओ,
एस टी यू भी, हाँ एस टी यू भी, एक बना हमारा एस भी, यानी एस और भी लिख देंगे। अब आर एस टी यू नहीं है, ई एफ जी एच आई नहीं है, भी अब नहीं है, मतलब कितना हुआ, एक दो तीन चार पांच, पांच जोड़ा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पांच। ठीक है, तो इस तरह से हम अक्षर युग्म को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम अक्षर युग्म बढ़िया से समझ में आ गया, तीन तीन एग्जाम्पल बता दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चन की। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन हम कुछ लेके आए हैं, क्वेश्चन क्या कहेगा कि कोई वर्ड दे देगा, जैसे एप्पल दे देगा, आप कहेगा कि पहला दूसरा पांचवा चौथा, ऐसे वर्ड से मतलब कोई एक वर्ड बनाना है, उसके दाहिने से दूसरा या बाएं से चौथा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कम्युनिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी ओ डबल एम यू एन आई टी एन आई सी है, ठीक है, सी ए टी आई ओ एन, ठीक है, कह रहा है कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे, ध्यान दीजिएगा, हम लिख देते हैं एक दो तीन चार पांच छ आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह लेटर है। ठीक है, कम्युनिकेशन चौदह होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ठीक है, अब कह रहा है कि पहले और दूसरे, पहला और दूसरा, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारह बारह और तेरह चौदह, इसको क्या करना है कि बदल देना है, पहले को दूसरा से, तीसरे को चौथा से और पांचवे को छठा, इसी प्रकार से सारा वर्ड बदलना है। देखिए सी को ओ, तो यहां क्या हो जाएगा, ओ सी, डबल एम है तो ये डबल एम ही रहेगा, यू एन है तो क्या हो जाएगा, एन यू हो जाएगा, आई सी है तो यहां सी आई हो जाएगा, ए टी है यहां टी ए हो जाएगा, आई ओ है तो यहां ओ आई हो जाएगा, उलट दे रहा है। ठीक है, एन एस है तो यहां एस एन हो जाएगा। इसका हमारा लेफ्ट साइड ये हो गया, ये हमारा राइट साइड हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो दाहिने से गणना करने पर दसवां अक्षर कौन सा हो जाएगा, हम दाहिने से राइट साइड से गणना करेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, यानी दसवां अक्षर कौन सा हो रहा है, एन, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आपके बुक निकालिएगा तो उसमें दिया गया होगा। ठीक है, ये इस तरह से श्रृंखला बनाने का, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न भी है, मतलब इसी तरह से है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग है क्योंकि अब आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, एस टी आर ई एम एल आई एन ई, स्ट्रीम लाइन है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन है, स्टेटमेंट नहीं है। स्ट्रीम लाइन के दूसरे पांचवे छठे और दसवें, देखिए दूसरे ये हो गया, दूसरे पांचवे एक दो तीन चार पांच, ये पांचवे छठे और दसवें, यानी हो गया टी ए एम ई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरे पांचवे छठे और दसवें अक्षर को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना है, मतलब इस जो टी एम ई बना इससे सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना है, कितना अंग्रेजी शब्द बनता है। ठीक है, कितना अंग्रेजी शब्द बनता है, उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, उस शब्द का पूछा गया है कि तीसरा अक्षर क्या होगा। तो देखिए इससे क्या क्या बन जाएगा वो हम समझते हैं। एक बार वर्ड का प्रयोग करके, यानी चार वर्ड है, एक दो तीन चार है, इस चारों को इधर इधर करके एक वर्ड बनाना है, तो क्या बनेगा, देखिए एक बन जाएगा मेट, एम ए टी ई, दूसरा क्या बनेगा, एम ई ए टी, मीट, उसका बाद क्या बन जाएगा, मीट हो गया, मेट हो गया, उसके बाद तीन नंबर टी बन जाएगा, टी ई ए एम,
ध्यान दीजिए, तीन वर्ड बना, और कुछ बनेगा क्या? चलिए इतना ही बनेगा, और बनेगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तीन बनाया, ठीक है, एक दो तीन। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि तीसरा वर्ड कौन सा होगा? देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखिए तीन नंबर पे ए है, तीन नंबर पे ए है, और तीन नंबर पर टी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड टी। ऑप्शन में दिया गया होगा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा थोड़ा सा चेंजिंग है, बट क्वेश्चन इसी तरह से है। देखिए सारा क्वेश्चन क्या है, जितना क्वेश्चन हम बताने वाले हैं सारा क्वेश्चन में थोड़ा ना थोड़ा चेंजिंग होगा। क्वेश्चन आपको लगेगा कि सेम ही, बस क्या होगा थोड़ा सा लास्ट में कुछ चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट, डी ओ यू सी एम ई एन टी, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डी ओ यू सी एम ई एन टी, डॉक्यूमेंट का दिया गया है। जैसे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है कि इसमें सभी स्वर को वर्णमाला के हिसाब से लिखना है, फिर व्यंजन को वर्णमाला के हिसाब से लिखना है, उसके बाद दाहिने से पांचवा अक्षर कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले वोवेल और कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट को हमको लिखना है। सबसे पहले वोवेल और कॉन्सोनेंट को लिखना है, यानी वोवेल कहां है, वोवेल कौन कौन से है, कॉन्सोनेंट कौन से। वोवेल मतलब स्वर वर्ण, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन वर्ण। तो कौन मतलब स्वर वर्ण क्या कहा है, तो ए ई आई ओ यू होता है, तो यहां वो है यू है तो ओ हो जाएगा। चलिए अब इसमें सबसे पहले स्वर वर्ण यानी वोवेल लिख देते हैं, फिर कॉन्सोनेंट लिख देते हैं। वोवेल का मतलब स्वर वर्ण, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन वर्ण। तो वोवेल क्या होता है, ओ यू लिख देते हैं यहां, ओ यू, उसके बाद ई, यानी ये वोवेल हो गया। बाकी जो बच गया डी सी एम एन टी। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला के तहत सजाना है, सबसे पहले वोवेल को फिर कॉन्सोनेंट के। तो ओ यू ई में पहले कौन होता है, ई होता है, उसके बाद ओ होता है, फिर यू होता है। अब इसमें चलेंगे, इसमें पहले सी होता है, फिर डी होता है, फिर एम एन टी। ये हमारा अब नया अंग्रेजी वर्णमाला बन गया, नया मतलब वर्ड बन गया। तो अब इसमें क्या पूछा है कि दाहिने ओर से पांचवा अक्षर, देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, यानी दाहिने ओर से पांचवा, एक दो तीन चार पांच, यानी पांचवा क्या हो जाएगा, सी, हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसी तरह से एक और क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है बट क्वेश्चन सेम है, ठीक है, आप खुद से समझ सकते हैं। ये चीज अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जरूर बताएं, अगर कोई दिक्कत हो फिर भी कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है शब्द रेसिड्यू, शब्द क्या है, आर ई एस यू एस आई डी यू, आर ई एस आई डी यू एल, ठीक है, ये हमारा वर्ड है, डी यू ए एल है, ठीक है, डी यू ए एल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एक वर्ड दिया गया है और इसमें क्या कह रहा है कि यदि शब्द रेसिड्यूल के अक्षरों को बाएं से दाएं, देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा राइट साइड हो गया, मतलब ये बायां साइड और ये दायां साइड, मतलब क्या कह रहा है, बाएं से दाएं, इस प्रकार पुनः क्रमबद्ध किया जाए, पुनः मतलब दोबारा क्रमबद्ध करना है कि सभी व्यंजन, व्यंजन कहने का मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन, उसके बाद वोवेल मतलब स्वर, ठीक है। अब इसमें दो चीज समझना है, कॉन्सोनेंट और वोवेल। तो कॉन्सोनेंट वोवेल को हम क्या करना है, पहले समझिए कि सभी व्यंजन को वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाएं, पहले व्यंजन को यानी पहले कॉन्सोनेंट को फिर वोवेल को, पहले कॉन्सोनेंट के फिर वोवेल को अंग्रेजी वर्णमाला के तहत लगाना है, ठीक है, पहले हम लगा लेते हैं।
तो चलिए कॉन्सोनेंट के पहले सबसे शुरुआत करते हैं। ए के बाद बी आता है, बी नहीं है, सी नहीं है, फिर डी है, तो डी हमारा कॉन्सोनेंट है। डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल है, उसके बाद एम नहीं है, एन ओ पी क्यू आर एस है, आर है, फिर एस है। तो ध्यान दीजिएगा हमारा क्या हो चुका है, ये भौवेल है। उसके बाद भौवेल की बात करें तो ए आई ए ई है, ए ई आई, उसके बाद यू है, ठीक है। चार भौवेल, चार कॉन्सोनेंट हमको मिल चुका है, ठीक है, चार चार मिल गया। उसके बाद क्या कर रहा है कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन हो गया, ये स्वर हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के तहत, क्योंकि पहले डी होगा फिर बाद में एल फिर बाद में यार, जैसे कि अगर देख लेते हैं ये चार होता है, ये बारह, ये अठारह, ये उन्नीस, अब देखते हैं एक पांच नौ इक्कीस, ठीक है। तो ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जा रहा है, ठीक है। तो व्यंजनों को वर्णमाला फिर पहले क्या करना है, व्यंजन को लगाना है फिर स्वर को। तो देखिए डी एल आर एस ए ई आई यू, ये हमारा नया, जैसे कहा था कि पुनः क्रमबद्ध किया जाए, मतलब पुनः नया बनाए, तो हमारा क्या बना डी एल आर एस ए ई आई यू, ये बनवाना। अब कह रहा है कि सभी स्वर, अब कह रहा है कि बाएं से छठवां अक्षर, बायां का मतलब देखिए बायां हमारा क्या है लेफ्ट साइड, मतलब ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, इधर से छठवां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, मतलब छठा लेटर कौन सा हो गया, ई जो है हमारा छठा लेटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, इसमें अब देखिए हम सार्थक स्वर, मतलब सार्थक शब्द बनाना सीखेंगे। सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई एक वर्ड दे देगा, उसमें से एक सार्थक वर्ड कहेगा, कि जैसे कि मैंगो हो गया, अब मैंगो जैसे कि चार वर्ड, सार्थक शब्द कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल हम देते हैं, ए आर ई एन, एक वर्ड दे देगा आपको एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ये सार्थक वर्ड जरूर पूछता है। कह रहा है कि शब्द के कितने अंग्रेजी अक्षर से शब्द बनाया जा सकता, मतलब ये चार वर्ड से कितना अंग्रेजी का अक्षर बनाया जा सकता है, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, मतलब कितना बनेगा वो बताना है, और अंग्रेजी का वर्ड होना चाहिए, मात्र चार लेटर, एक दो तीन चार, चार लेटर ही सही बनना चाहिए, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज क्वेश्चन कहा गया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ए आर ई एन, ठीक है, ए आर ई एन है, हाँ ए आर ई एन। अब इससे हम चेक करते हैं कि कौन कौन से वर्ड बन जा सकते हैं, तो देखिए एक बनेगा, आप ही चेक कर सकते हैं, अर्न, ई ए आर एन, अर्न बना। उसके बाद और कुछ बनेगा, चार ही वर्ड है ना, हाँ चार ही वर्ड है, ठीक है, अर्न हो गया। उसके बाद चेक करिए, हाँ एक और बन जाएगा नियर, एन ई ए आर, और कुछ बनेगा, चलिए दो बन गया यहां पर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दो, क्योंकि और भी अगर बनेगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा किसका और बनेगा, ठीक है। तो यहां पर दो बन गया है, तो इसका आंसर दो हो जाएगा। तो इस तरह से हम खोज के, हमको इसके लिए क्या है, सबसे पहले डिक्शनरी जानकारी, डिक्शनरी की जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर ये आप बनाना चाह रहे हैं शब्द समूह को खोजना, तो पहले डिक्शनरी की, डिक्शनरी थोड़ा सा जरूर पढ़ ले, ठीक है। अब इसमें एक नेक्स्ट नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आपको दो दो एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। एक आप खुद से भी बना सकते हैं, एस डब्ल्यू एन ई, ठीक है, एस डब्ल्यू एन ई, इसका क्या बनेगा, तो इसका एक ही वर्ड बनेगा, एक वर्ड क्या बनेगा, एन ई डब्ल्यू एस, न्यूज, ठीक है, एक ही बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, शब्दों से अक्षर समूह, अक्षर समूह इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको डिक्शनरी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, अब हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक पे। नया टॉपिक क्या है, देखिए अब इसमें क्या कहता है कि अब जो क्वेश्चन जो हम बताने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो जहां पर रीजनिंग का, मतलब रीजनिंग पूछा जाता है, वहां पर यह प्रश्न जरूर आएगा,
कि जैसे कि एक वर्ड ऊपर दे देगा, चार ऑप्शन नीचे देगा, अब कहेगा कि इनमें से कौन सा अक्षर बनता है, या चार एक वर्ड दे देगा नीचे चार ऑप्शन देगा, कहेगा इनमें से कौन सा अक्षर नहीं बनता है। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देना चाहते हैं कि एक क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, QUAD RATIC क्या है, RATIC ये हमारा वर्ड दे दिया गया है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चार ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन हम देखिए, चारों ऑप्शन आपको हम समझाएंगे, चारों ऑप्शन एक समझाएंगे, फिर आपको एक क्वेश्चन हम आपको एग्जांपल में देंगे वो समझिएगा। ये भी एक तरह से क्वेश्चन ही है क्योंकि हम सारा आपको टॉपिक एग्जांपल के ही थ्रू समझा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहां पे पहला ऑप्शन दिया गया है एक्वाटिक, AQUATIC, ठीक है। दूसरा है DRA STIC। तीसरा क्वेश्चन है ARCTIC। उसके बाद चौथा है ट्रेड TRADE। देखिए इसमें से ये एक क्वेश्चन है, ये चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसमें से कह रहा है कि कौन सा, देखिए अभी इसमें कुछ नहीं कह रहा है कि कौन सा बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि ये बनेगा, ठीक है, बनेगा। तो देखिए ये आसान तरीका है ढूंढने का कि जब क्वेश्चन कह दिया कि बनेगा तो एक ऑप्शन बनेगा, तीन गलत होगा, तीन ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ वही खोजना है जिसमें से टोटल वर्ड इसमें मिल जाए। देखिए ए है तो यहां पर ए है, क्यू है तो क्यू भी है, यू है यू भी है, ए है ए है, टी है टी है, आई है आई भी है, और सी है तो सी है। ये हमारा मिल गया पहले ही, पहले ही मिल गया, मतलब बनेगा, मतलब इससे क्या है, ये बन जाएगा। अब और भी देख लेते हैं कि बनता है कि नहीं। तो देखिए डी आर ए, तो इसमें डी आर ए है, एस देखिए यहां एस है और इसमें एस नहीं है तो ये नहीं बनेगा। अब देखिए ए आर सी, तो ए है आर है सी है, टी टी भी है, आई सी, तो ध्यान दीजिए इसमें आई सी भी है लेकिन क्या है, इसमें सी डबल है, एक सी दो सी, और इसमें मात्र एक ही सी है तो ये भी नहीं बनेगा। अब ट्रेड टी आर ए डी ई है, लास्ट में ई है, इसमें ई नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। बात समझ में आ गया। तो एक जब कहेगा कि बनेगा, इनमें से कौन सा अक्षर बनेगा, तो एक बनेगा, तीन नहीं बनेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम आपको दे रखे हैं डिस्प्ले पर, आपको दिख रहा होगा, तो इसको आप प्रैक्टिस करके बना के बताइए, क्वेश्चन और आंसर दोनों है, आपको ऑप्शन भी है, बना के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये तो था बनेगा, और एक और एग्जांपल आपको हम बता देते हैं जो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन सेम है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजिंग करते हैं, मतलब ऐसा वर्ड पूछेगा जो नहीं बनाया जा सकेगा, मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, और मतलब वर्ड दिया गया है बुक बाइंडिंग, BOOK बुक बाइंडिंग, BINDING बुक बाइंडिंग यहां पे दिया गया है, ठीक है। अब हम चार ऑप्शन देखेंगे, चार ऑप्शन ABCD, चार ऑप्शन में क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, बॉन्डिंग, BONDING बॉन्डिंग हो गया। दूसरा है डोंग, DONG। तीसरा कह रहा है डिंगिंग, DI DI डबल G है यहां पे, GING डिजिंग हो जाएगा ये। उसके बाद डिनिंग है, DIN ING। ये चार ऑप्शन है। देखिए ये बनाने का आसान तरीका है कि कह रहा है नहीं बनेगा, तो एक देखिए नहीं बने में थोड़ा सा कष्ट है, बनेगा में तो एक आसान से बनाइएगा उस आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा में क्या होता है कि आपको सारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे हम ध्यान देंगे, एक एक करके देखेंगे कि नहीं बनेगा में एक ऑप्शन नहीं बनेगा और बाकी के तीन ऑप्शन आप में इसमें बनेगा, ठीक है।
तो अब चेक कर लेते, देखिए बी ओ तो बी ओ है, एन एन यहां पे भी है, डी 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 भी है, आई भी है, एन जी, तो ये हमारा बन रहा है डोंग, डी ओ एन जी ये भी बन जाएगा, डी आई डबल जी, ध्यान दीजिए यहां पर डबल जी है और इसमें क्या है एक ही जी है, तो यही हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर सी हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है ये इससे नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चार नंबर की चेक करके बता देते हैं, डी आई एन, तो ध्यान दीजिएगा डी आई एन फिर आई एन जी यानी आई एन जी, देखिए यहां पे दो एन है और दो आई है, तो दो आई भी है और दो एन भी है, इसलिए परेशान नहीं होना है, एक एक कोच वर्ड को चेक करना है कि गलत ना हो, ठीक है गलत ना हो, तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो अब इसी तरह से एक और ऑप्शन क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर करके मतलब क्वेश्चन लिख के आप टैग करके हमें आंसर जरूर बताएं अगर बनाइएगा तो। चलिए आज हम ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का सेट टू खत्म हो चुका है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला लगभग सारा क्वेश्चन टाइप का हम आपको बता चुके हैं। अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो आराध्या एकेडमी डाउनलोड करके वहां से आप इलेक्ट्रीशियन फिटर वेल्डर का क्लास कर सकते हैं, मैथ और रीजनिंग का भी क्लास कर सकते हैं, कोई भी कंपटीशन हो उसका तैयारी कर सकते हैं जनरल कंपटीशन के, और 1 to 10 का एकेडमी है, मतलब सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड है उसका भी तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है तो वहां पे जाइए आराध्या एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप टोटल कोई भी ऑनलाइन कंपटीशन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।